यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी आपको विद रिलेटेड टू सीए आर्टिकलशिप। एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले, मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ जो डमी आर्टिकलशिप के बारे में सोचते हैं। एक चीज याद रखो, अगर आपने आपकी आर्टिकलशिप डमी करी तो इसका मतलब है कि आपका सीए का डिग्री भी डमी है। हमेशा याद रखना, सिर्फ सीए बनना जरूरी नहीं है, सीए बनने के बाद क्या करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। जिस दिन आप सीए फाइनल क्लियर करोगे, जिस दिन आपके ऊपर द लेटर्स ऑफ ट्रस्ट विल बी बेस्टोर्ड बिफोर योर नेम, राइट, यू विल बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल बी एस्टीम्ड विद द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। एट दैट टाइम यू विल बी एक्सपेक्टेड दैट यू आर वेल वर्स्ड टेक्निकली एज वेल एज नॉलेज लेवल के बेस पे। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आर्टिकलशिप में पूरा जोर लगाना है। हमेशा टारगेट यही होना चाहिए कि आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करो या टॉप जो बेस्ट फर्म्स है उनसे आप आर्टिकलशिप लो। फिर आर्टिकलशिप या आर्टिकलशिप होती क्या है, ये आर्टिकलशिप बच्चों, इट इज नथिंग बट अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड, जो हमको लेनी पड़ती है अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। तो जो हम ट्रेनिंग लेते हैं उनको आर्टिकल कहा जाता है, मतलब सीए स्टूडेंट्स विल बी टर्म्ड एज आर्टिकल्स, और जिनके अंडर हम ट्रेनिंग लेंगे उनको प्रिंसिपल ये कहा जाता है। आर्टिकलशिप 3 ईयर्स का पीरियड होता है। आपको सीए इंटर का एक या दो ग्रुप क्लियर करने के बाद आपकी आर्टिकलशिप बिगिन होती है। जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, ओके, ये जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं उनके लिए 6 महीनों के बाद आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर आर्टिकलशिप का पूरा ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आफ्टर चार्टर्ड क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल एग्जामिनेशन, आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इन 3 सालों के एक्सपीरियंस पे। तो बस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सीए की जो आर्टिकलशिप है, ओके, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करी जाती है। ओके, यस, और यहाँ पे जो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, इसी की वजह से ये जो कोर्स है वो पूरे दुनिया में बच्चों बहुत ज़्यादा इस कोर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है। ओके, यस, फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कोर्स करते करते कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करते हैं, जैसे सीए इंटर करते करते कोई सीएस करता है, कोई सीडब्ल्यूए करता है, या कोई अदर दूसरे अलग अलग टाइप ऑफ कोर्सेज भी करते हैं। उनके लिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू नोटिफाई द इंस्टीट्यूट अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज दैट यू आर परस्यूइंग। एक फॉर्म आता है, आपको वो फॉर्म फिल करके इंस्टीट्यूट को बताना पड़ता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और लेटर ऑन अगर इंस्टीट्यूट को पता चल गया तो देन इन दैट केस वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन विल ऑल्सो बी टेकन, और कई जगहों पे पेनल्टी भी चार्ज करता है ICAI। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कॉम्प्लायंसेज विद आवर इंस्टीट्यूट ICAI इज वेरी 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 स्ट्रिंजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रिक्ट। ICAI इज वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, यस, फिर अगर आप आर्टिकलशिप, फिर 3 साल का ड्यूरेशन का जो आर्टिकलशिप है, अगर आपको आर्टिकलशिप आर्टिकल आपका प्रिंसिपल चेंज करना है किसी रीजन से, तो आपके पास 1 साल का वक्त होता है। विद इन 1 ईयर द बिगिनिंग और स्टार्ट का जो 1 साल है उसमें आप ट्रांसफर ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं ले सकते, बाद में ले सकते हो, बट वहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, यस, देन अब देखते हैं कि यहाँ पे स्टाइपेंड क्या मिलता है। तो अपने इंस्टीट्यूट ने एक मिनिमम लेवल सेट किया है, लेट मी टेल यू, एक मिनिमम लेवल सेट किया है। फिर आप कहाँ से आर्टिकलशिप करते हो, बिग फोर से करते हो, आप किस प्रकार से काम करते हो, बराबर ना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, इस पर आपका स्टाइपेंड डिपेंड करता है। बट मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहती कि अपना स्टाइपेंड जो ICAI ने सेट किया है दैट इज 1000 पर मंथ। ओके, यस, मोटा मोटी 1000, फिर डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट यू नो अमाउंट्स बताए हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि ऑन एन एवरेज 1000 पर मंथ स्टाइपेंड है। ओके, ऐसा क्यों, इतना कम क्यों, बच्चे मुझे पूछते हैं कि अंडरस्टैंड, अपना टारगेट यहाँ पे ये नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप मनी अर्निंग के इंटेंशन से अपना आर्टिकलशिप ना करें। ओके, लेट दैट बी अ वेरी वेरी वेरी
subtle thing. Okay, the most important for you here is obtaining the practical training from your principal. Moreover, principal is going to train you for 3 years, and then after 3 years you are going to move away, or fir aapke jagah pe dusra article aayega, barabar hai na? So every time ye aapke principal ke liye bhi ek task hai, ek article ko train karna. Isliye dono jagahon pe balance maintain karne ke liye ye stipend ka limit institute ne set kiya hai. पर कोई बात नहीं सीए बनने के बाद पता नहीं 5 figures, 6 figures, 7 figures भी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर आर्टिकलशिप. आपने कहां से आपका आर्टिकलशिप किया है उस पर डिपेंड करेगा आपका आगे का पैकेज सीए बनने के बाद. ओके यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो आर्टिकलशिप करने वाले हैं, इस आर्टिकलशिप में हमें किस प्रकार का काम करना है. मोटा मोटी अगर हम देखें तो 4 प्रकार के काम होते हैं. एक होता है अकाउंटिंग, जहाँ पे प्रॉपर हम बुक कीपिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है. कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यू नो आर इनटू बुक कीपिंग ऑल्सो. ओके देन उसके बाद आता है टैक्सेशन का काम. टैक्सेशन का काम करना मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी का काम करना. ओके डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स का काम करना. फिर आता है ऑडिटिंग का काम, जहाँ पे हम अलग अलग एंटिटीज का ऑडिट करते हैं. ओके और कुछ काम होता है आरओसी से रिलेटेड. ओके कॉम्प्लायंस मैटर्स से रिलेटेड भी हमको कुछ काम करना पड़ता है. मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगी बच्चों की आपका आपका इंपॉर्टेंस, आपका डिग्री का वैल्यू तो है ही, बट डिग्री में वेट वजन कितना है, आपका पैकेज क्या होगा, आप कितने सक्सेसफुल होगे, आपके सामने कितने एवेन्यूज ओपन होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से आर्टिकलशिप करी है और आपने कहाँ से आर्टिकलशिप करी है. ओके यस, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना. और हाँ, कई बच्चे पूछते हैं मैम बिग फोर के बारे में बताओ, हमारा सपना है बिग फोर ज्वाइन करना, तो जुड़े रहिए, बहुत जल्द हम लेके आएंगे आपके लिए कि बिग फोर आर्टिकलशिप का वीडियो आपको कैसे करना है और किस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हो, किस प्रकार से आप इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो ताकि आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल सके. तो स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. बाय बाय एंड टेक केयर.